हम सभी को लगता है कि आने वाले समय में वेनु की टक्कर पृथ्वी से हो सकती है, क्योंकि 23 सितंबर सन 99 में एरिसिवो ऑब्जर्वेटरी से रेडार इमेजिंग के द्वारा इस एस्टेरॉयड की पहली तस्वीर खींची गई, जिसमें ये पता चला कि इसकी दिशा हमारी पृथ्वी की तरफ ही है और 2700 में से एक बार इसकी पृथ्वी से टकराने की प्रबल संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं, और इसी के कारण साइंटिस्टों के लिए इसके ऊपर रिसर्च करना बहुत ही जरूरी हो गया है। कार्बन से बनी इस एस्टेरॉयड में कई तरह के साथ अनोखे मिनरल्स भी हैं, जिससे कि हमारा ब्रह्मांड आखिर किस तरह से बना था उसके बारे में बहुत सी जानकारियां मिलेंगी। लेकिन ये एस्टेरॉयड हमारे लिए कितना खतरनाक है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। अगर पृथ्वी पर 30 मीटर के आकार का कोई हल्का पिंड गिरता भी है तो पृथ्वी पर बहुत ही बड़ी तबाही भी हो सकती है, क्योंकि 30 मीटर के आकार का एक हल्का पिंड सन 1908 में साइबेरिया में गिरा था और इसने 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरियाज को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। इस तबाही की इंटेंसिटी 30 मेगाटन टीएनटी के बराबर थी, जो हिरोशिमा में हुए परमाणु हमले से 250 गुना ज्यादा थी। लेकिन ऐसे छोटे आकार के एस्टेरॉयड हमारे वायुमंडल में ही फिक्शन के कारण नष्ट हो जाते हैं, तो 30 मीटर के बदले अगर एस्टेरॉयड का आकार 100 मीटर के जितना हो तो उससे एक्सप्लोजन 47 मेगाटन टीएनटी के जितना होगा, और ये तबाही दुनिया की सबसे खतरनाक बम द जार बम के बराबर होगी। जी हाँ, आपने सही सुना, द जार बम के बराबर होगी। तो जिस जगह ये 100 मीटर वाला एस्टेरॉयड गिरेगा वहाँ एक्सप्लोजन इतना ज्यादा भयानक होगा कि शायद ही वह भविष्य में इंसानों के लिए रहने के लायक रहे। तो अब तक हमें 30 मीटर और 100 मीटर वाले एस्टेरॉयड से क्या हो सकता है ये पता चला है, लेकिन वेनु नाम का ये एस्टेरॉयड आखिर कितना बड़ा है? दरअसल इस एस्टेरॉयड का आकार एक वृत्त के अनुसार 500 मीटर है और इसका वजन तकरीबन 78 अरब किलोग्राम के जितना है, और जिससे होने वाला धमाका 800 मेगाटन टीएनटी के बराबर होगा, जो कि द जार बम से 160 गुना से भी ज्यादा खतरनाक है। और ये कोई धमाका छोटा मोटा देश नहीं, बल्कि महादेश या कंटिनेंट को खत्म करने की ताकत रखता है। हमारी खुशकिस्मती है कि पृथ्वी पर 71% पानी है, लेकिन इस पानी में यह एस्टेरॉयड गिरता है तभी महासुनामी जैसे महापिंड आनी तो निश्चित ही है। तो अब इस एस्टेरॉयड के साथ हमारी पृथ्वी की होने वाली टक्कर की कितनी प्रोबेबिलिटीज है वो देख लेते हैं। ये एस्टेरॉयड पहली बार पृथ्वी से 7,50,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा, फिर उसके बाद 2135 में पृथ्वी से 1,00,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा, यानी कि हमारी चांद की दूरी से भी कम। लेकिन खुशकिस्मती से इन दोनों बार पृथ्वी से इसकी टक्कर नहीं होगी। लेकिन साइंटिस्टों के मुताबिक ये एस्टेरॉयड 2175 से लेकर 2196 के बीच एक नया रूप ले सकता है और उस वक्त पृथ्वी के बहुत ही करीब से गुजरेगा, और उस समय पृथ्वी के साथ इसकी टक्कर होने की 2700 में से एक चांस रहेगा। जिस तरह से एवेंजर्स मूवी में थेनोस को हराने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने 1,40,00,000 पॉसिबिलिटीज देखी थी और उसमें से एक ही बार वो थेनोस को हरा पाए थी, तो कुछ ऐसी ही पॉसिबिलिटीज इस वेनु के साथ पृथ्वी की टक्कर होने की है। लेकिन एक बात तो कंफर्म है, अगर पृथ्वी की टक्कर वेनु के साथ होती भी है तब आज के समय का कोई भी इंसान इस घटना को देखने के लिए जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि ऐसी घटना 100 साल के अंदर तो नहीं होने वाली। साइंटिस्टों ने इस एस्टेरॉयड के बारे में जानने के लिए 18 सितंबर सन 2016 को ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया, जिसका मेन मकसद वेनु एस्टेरॉयड में लैंड करके उसके सैंपल्स को इकट्ठा करना और फिर सैंपल्स के साथ पृथ्वी पर वापस आना, और इस काम को अंजाम देने के लिए तकरीबन 7 सालों का समय लगेगा, यानी कि 24 सितंबर सन 2023 को ये मिशन समाप्त होगा। इस मिशन को जारी करने के लिए 6,55,50,00,000 रुपए लगे। इतना पैसा खत्म करने के पीछे वैज्ञानिकों के स्ट्रॉन्ग रीजन हैं। पहला, वेनु एस्टेरॉयड के सैंपल से हमें हमारे सौरमंडल की संरचना के बारे में बहुत सी जानकारियाँ मिलेगी, जिससे ब्रह्मांड में बहुत से अनतुल्य रहस्यों का खुलासा होगा। और इस पर रिसर्च करने का दूसरा रीजन, अगर भविष्य में पृथ्वी के साथ इसकी टक्कर होती भी है तो उससे पहले हम किस तरह से इस एस्टेरॉयड को पृथ्वी के बाहर ही खत्म कर पाएंगे, ये साइंटिस्ट जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिससे भविष्य में करोड़ों लोगों की जान बच जाएगी। लेकिन अगर आपको पता चले कि इसकी टक्कर पृथ्वी से कल ही होने वाली है तो जिंदा रहने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, हमें अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपकी राय का जवाब अवश्य दूंगा।
और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।